तो देखो भाई लोग, ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है अपकमिंग कार्स अंडर 10 लाख का। इसका पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पेंडिंग 7 कारों को कवर करूंगा जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कारों की कीमत आपको 10 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं वो कौन कौन सी नई कारें हैं जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत जल्दी मारुति सुजुकी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो है जिमनी। इस कार की अभी फिलहाल के लिए लद्दाख में टेस्टिंग चल रही है और इसकी टेस्टिंग फाइनल फेज में है। और आपको बताना चाहूंगा, ये मारुति सुजुकी की अपकमिंग ऑफ रोडर कम एसयूवी कार होने वाली है। इसका 5 डोर वाला मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है और इसी मॉडल को अभी फिलहाल के लिए टेस्ट किया जा रहा है। और ये कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करने वाली है महिंद्रा की थार के साथ। इसके अलावा फोर्स के गुरका के साथ भी इस कार का कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मारुति सुजुकी काफी लंबे समय से जिमनी को ग्लोबल मार्केट में बेचती आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कार का इंडिया में इंतजार कर रहे हैं। अब उन सभी लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। शायद इस दिसंबर के आसपास मारुति सुजुकी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अगले 1-2 महीनों के अंदर इसको रिवील किया जाएगा, उसके बाद ऑफिशियली जिमनी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और इस कार के अंदर आपको 1.5 लीटर के सीरीज वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। ऑफ रोडिंग के सभी फीचर्स इस कार के अंदर दिए जाएंगे, जैसे कि 4x4 सिस्टम और ढेर सारे ऑफ रोडिंग के फीचर्स आपको जिमनी के अंदर मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिमनी 5 डोर के साथ आने वाली है। तो थार इंडिया में बिक रही है वो है 3 डोर थार, लेकिन थार का भी 5 डोर वाला मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी आपको मारुति सुजुकी जिमनी इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी इस कार को 9 या फिर 10 लाख रुपए के रेंज में उतार सकती है। अगर इसकी प्राइस ज्यादा रखती है तो डेफिनेटली लोग थार के तरफ जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको सिट्रोन कंपनी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो है एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। यानी इस कार का मुकाबला रहेगा ब्रेजा के साथ, नेक्सॉन के साथ ये कम्पीट करेगी, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट। इन कारों को कम्पीट करने के लिए सिट्रोन कंपनी एक कार को इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। रिसेंटली सिट्रोन कंपनी ने C3 एयरक्रॉस को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि एक हैचबैक कार है। और उससे पहले C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था, जो कि प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी कार है। जब से C3 एयरक्रॉस इंडियन मार्केट में आ चुकी है, तब से इस कार ब्रांड का सेल 1000 के ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर C3 एयरक्रॉस को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और इस कार की कीमत भी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगी। अब ये कार ब्रांड और एक एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है और इसको सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार का नाम अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन इस कार को अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में रिवील किया जा सकता है, उसके बाद इसको ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। शायद 2023 के स्टार्टिंग में सिट्रोन कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और रही बात कीमत की, तो इस कार की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो सकती है 6 या फिर 7 लाख रुपए से। जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको किया कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, वो है एक्सीड। ये किया की अपकमिंग कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार होने वाली है, जिसको ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। पसंद भी क्यों ना किया जाए, इस कार का लुक आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। और पर्सनली इस कार का रियर का फीचर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से इस कार का एक्सटीरियर लुक रखा गया है, उससे कई गुना बेहतर आपको इस कार का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। अगर सेम मॉडल को किया कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है, तो डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद तबाही सी मचा देगी। लेकिन किया कंपनी इस कार के अंदर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो किया कंपनी इसको अगले साल के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च कर सकती है और इस कार की कीमत लॉन्च होने के बाद 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है टाटा की ब्लैकबर्ड। ये टाटा की अपकमिंग मिड साइज एसयूवी कार होने वाली है, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा के साथ, सेल्टोस के साथ, टाइगुन कुशक एस्टर के साथ। टाटा के इस एसयूवी कार का मुकाबला होने वाला है। टाटा इस कार के ऊपर काम कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा कंपनी इस कार के अंदर एक नया पेट्रोल इंजन देने वाली है। आज के डेट में टाटा कंपनी एक नए पेट्रोल इंजन के ऊपर काम कर रही है और सेम इंजन को टाटा सफारी के अंदर दिया जाएगा, टाटा हैरियर के अंदर दिया जाएगा और टाटा ब्लैकबर्ड के अंदर भी आपको सेम इंजन स्पेक देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले टाटा सफारी और टाटा हैरियर का पेट्रोल मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद टाटा ब्लैकबर्ड को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। इस साल के एंड तक टाटा कंपनी ब्लैकबर्ड को इंडियन मार्केट में रिवील कर सकती है, उसके बाद इसको ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उससे पहले टाटा कंपनी बहुत सारे इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। टाटा ब्लैकबर्ड की कीमत 9 या फिर 9.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। जो 5th नंबर की कार आती है जो कि एक रिबैज कार होने वाली है, वो है टोयोटा की रोमियन। ये अर्टिगा का रिबैज वर्जन होने वाला है और
रिसेंटली इसको साउथ अफ्रीका और बाकी के कंट्रीज में लॉन्च किया गया है। तो बहुत जल्दी टोयोटा कंपनी अर्टिगा को अपनी बैजिंग लगाकर इंडियन मार्केट में उतारने वाली है और इस कार का नाम रहेगा रूमियन। इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको ना के बराबर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इंजन भी सेम रहेगा, लुक भी सेम रहेगा, इंटीरियर भी आपको लगभग सेम मिलने वाला है। प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है और टोयोटा कंपनी इसको अगले एक दो महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। जो 6 नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वह है MG की 3। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार हो सकती है MG की तरफ से। आज के डेट में MG एस्टर को बेच रही है, हेक्टर हेक्टर प्लस आ जाती है, ग्लोस्टर को बेच रही है, लेकिन MG कंपनी का सेल उतना भी नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन खैर ग्लोबल मार्केट में MG कंपनी का लाइनअप काफी बेहतरीन है। उन कारों को अगर MG कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो डेफिनेटली इसके सेल्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। उनमें से एक कार है MG 3। इस हैचबैक कार को MG कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इसका मुकाबला रहेगा टियागो के साथ, वैगनर के साथ ये कम्पीट कर सकती है। इसके अलावा बाकी कारों के साथ इस कार का मुकाबला होने वाला है। रही बात है कीमत की, तो इस कार की कीमत स्टार्ट हो सकती है 6 या फिर 6.5 लाख रुपए से। और इरो एनकैप में इस कार को 3 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। सेफ्टी के हिसाब से इस कार के अंदर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसको मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है वो है बलेनो क्रॉस SUV। इसको रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया गया है और इसकी जो टेस्टिंग है शायद फाइनल फेज में है। अगले एक दो महीनों के अंदर मारुति सुजुकी इस कार को रिवील कर सकती है। ये नेक्सा के थ्रू भी इंडियन मार्केट में बिकने वाली है। आपको बताना चाहूंगा ये बलेनो का SUV वर्जन होने वाला है। आज के डेट में बलेनो को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और रिसेंटली मारुति सुजुकी ने बलेनो का फेस्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। हालांकि प्रीवियस मॉडल को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, यानी जब से बलेनो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से उसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन वो एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है, लेकिन मारुति सुजुकी ने उसका वो SUV वर्जन निकाला है। तो यहाँ पर इसके SUV वर्जन की फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है और जैसे ही इसकी टेस्टिंग खत्म हो जाएगी इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो सकती है 7 या फिर 8 लाख रुपए से और इसको अगले साल के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये 7 कारें थी जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है अंडर बजट ऑफ 10 लाख रुपीज। इनमें से कुछ कारों के लॉन्चिंग में डिले भी हो सकता है या फिर प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये टोटली कार कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पार्ट 2 वीडियो था, इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। इसके अलावा पार्ट 3 वीडियो भी एक दो दिनों के अंदर आ जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।